तो ये है LG का स्प्लिट AC, इसको हम यहाँ से अनइंस्टॉल करने वाले हैं और इसके जगह पे दूसरा AC इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हमें पंप डाउन करने की ज़रूरत है। अब स्प्लिट AC का पंप डाउन कैसे किया जाता है, यानी कि गैस को हम स्टोर करेंगे आउटडोर में, तो उसके लिए AC को चलना चाहिए। तो थोड़ी देर में हम स्टार्ट करवा रहे हैं AC को, उसके बाद पंप डाउन करेंगे। हमारे पास एलंकी रेडी है और थोड़ा सा मैं इसको देखिए खोल के मैं रखा हूँ, यानी कि ये खुल रहा है। तो पंप डाउन करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम डिस्चार्ज को बंद करेंगे। डिस्चार्ज के वाल की है ना, इसको हम बंद करेंगे तो ये गैस फेंकना बंद कर देगा, सिर्फ खींचेगा, ये सक्शन लाइन के रास्ते से खींचेगा और फेंकना बंद कर देगा। तो जब फेंकना बंद कर देगा तो जितना भी गैस पाइपलाइन में होगा, इंडोर में होगा, वो यहाँ से खींच के आउटडोर के कंडेंसर में इकट्ठा कर देगा। तो कंडेंसर में जब इकट्ठा करेगा तो इसको भी हम जल्दी जल्दी से बंद कर देंगे और यहाँ से एक वायर को निकाल देंगे या तो AC को बंद करवा देंगे। तो AC को बंद करवाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इस वायर को यहाँ से निकाल देंगे। वायर को निकाल देंगे, कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा, तो ये हमारा गैस स्टोर हो जाएगा। फिर सक्शन लाइन को भी हम जल्दी जल्दी करके बंद कर देंगे। तो हम AC को स्टार्ट करवाते हैं, उसके बाद हम इसको गैस स्टोर करते हैं। तो ध्यान रहे, इसको पहले हमें डिस्चार्ज बंद करना है, क्योंकि ये गैस को समझ लीजिए किस तरह से ये डिस्चार्ज को बंद करेंगे तो सक्शन खींच लेगा। ए वैन रखीब जुआ रखीब कैमरा बैग वैन रखे जुआ। तो अभी हमारा AC ऑन नहीं हुआ है, AC ऑन होता है उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो गया हमारा कंप्रेसर, ठीक, कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, ये वाले वाल को हम बंद करेंगे। देखिए चल रहा है ना, इसी वाल को बंद करेंगे तो गैस हमारा खींच लेगा। अभी ये गरम गरम हवा फेंक रहा है, जब खींच लेगा पूरा ठंडा फेंकने लगेगा। ताली ना स्टैंड ही ना अनाकलिम बाद आधा सिल्क आधा इफ्ता सिल्क आधा सील पिकार में मौजूद हाँ, बस इतना सील ही ना माफी ही ना मपी टच ही ना अली माफी हाँ जब आना कल इनता सील कार बहा था ब्लू कलर। तो इसको हम डिस्चार्ज लाइन को देखिए बंद करते हैं, बंद कर देंगे तो ये खींच लेगा पूरा गैस। ये हमारा बंद हो चुका है, अब थोड़ी देर हम वेट करते हैं, लगभग एक मिनट का, एक मिनट में ये खींच लेता है और कंप्रेसर का साउंड भी ये बदल जाता है जब खींच लेता है गैस। ये देखिए साउंड बदल गया ना। अब इसको भी हम सक्शन को भी थोड़ा हम लगा लेते हैं, ये देखिए पूरा नॉर्मल एयर आने लगा है अभी। अभी इसको भी हम जल्दी जल्दी बंद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बाकी रखेंगे जब तक कंप्रेसर बंद होगा। सील मपीटा छक गया हैंडा सील कारवा। तो इसको बंद होते ही तुरंत हम इसको बंद कर देंगे जल्दी जल्दी से वाल को। मपीटा छीना बॉडी हाँ सील से बस 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 सील तहत अरे बस। तो इसको भी हम जल्दी जल्दी से बंद कर देते हैं, कंप्रेसर हमारा बंद हो चुका है। शायद थोड़ा सा गैस से सक्शन लाइन में चला गया होगा। ओके तो अभी स्टोर हो चुका है, अभी ना ना जस्ट मिनट वेट। तो ये गैस स्टोर हो चुका है, अभी हम सक्शन लाइन को खोलते हैं। तो थोड़ी देर पहले AC हम बंद करवा देते हैं, यहाँ से हम सक्शन और डिस्चार्ज को खोलते हैं क्योंकि वाल हमारा बंद हो चुका है। तो ये हमने डिस्चार्ज लिक्विड लाइन हमने खोल दिया, अब ये सक्शन को भी हम खोलते हैं। ये सक्शन भी खुल चुका है, पूरा गैस स्टोर हो चुका है आउटडोर सिस्टम में।
कंडेंसर में। देखिए इसमें से गैस बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है क्योंकि आउटडोर सिस्टम में स्टोर हो चुका है गैस। देखिए पूरा निकल गया, ये अलग हो गया। अब हमें आउटडोर को यहाँ से हटा देना है और दूसरे एसी को यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। बस इतना सा तरीका होता है आउटडोर को, आउटडोर में गैस स्टोर करने का। इसे हम बंद कर देते हैं। लिक्विड लाइन को भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा गैस स्टोर है। अब यहाँ पे हमें टेप मार देना है चौड़ा वाला ताकि इसमें से कुछ कचरा वचरा ना जाने पाए। अब दूसरा एसी इंस्टॉल करते हैं, फिर आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं।